रेडी। अवसर पर आप सभी हमारे प्रदेश के महिलाओं को, माताओं को ढेर सारा बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस बार का जो वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे का जो सेलिब्रेशन का इनविटेशन जब हमें आया तो बड़ा सा कंफ्यूजन एक माहौल था हमारे लिए, खास करके क्योंकि उस वक्त हमारा एजेंडा का मुताबिक आज 8 तारीख है तो बजट पासिंग जो है एजेंडा का मुताबिक 8 तारीख को था, तो मैं प्रोग्राम में आने के लिए हाँ भी नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि बजट 8 तारीख को पास करना था और बीइंग द लीडर ऑफ द हाउस और बजट हमारा सरकार पेश कर रहा है तो हमको वहाँ पे बैठ के मेंबर्स का सुनना पड़ता है और फाइनली हमको बजट का जो डिस्कशन है उसको कंक्लूजन भी एज चीफ मिनिस्टर हमको करना होता है, तो फिर ना भी बोल नहीं सकता क्योंकि ये अपना वुमेन्स का एक बड़ा प्रोग्राम है, साल में एक बार होता है, तो आ भी बोल नहीं पा रहा हूँ ना भी बोल नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने अपना जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है उनको बुला के मैंने कहा कि इस बार बिल्स ज्यादा नहीं है तो अगर थोड़ा सा कर्टेल अगर कर पाता है। सर सबसे पहले तो क्योंकि हमारे नामसाई पे ये सेकंड टाइम है ऐसे जो सर्वे ग्रुप्स है, पीएलएफ ग्रुप्स है, सेकंड टाइम है उन लोग ऐसा ग्रैंड वे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और क्योंकि आप यहाँ के विधायक हैं तो आप उन लोगों को जो महिलाएं हैं जो इतने आगे बढ़ के आ रहे हैं तो उन लोगों को आप कैसे हेल्प करना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले नामसाई कॉन्स्टिट्यूएंसी का विधायक होने के नाते हमारे पूरे माताएं, बहन, हमारे दोस्त अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस में सबको मैं ढेर सारे शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये दूसरी बार है नामसाई में इतने बड़े ग्रैंड वे में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मना रहे हैं और सब सेल्फ हेल्प ग्रुप, पीएलएफ, सीएलएफ सब लोग जुड़े हुए हैं, अपना चाइल्ड एंड वुमेन डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, डिपार्टमेंट्स है, तो ये वाकई में दर्शाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट जी। आज वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता तो आज ये समारोह भी नहीं होता और अपना हम सबका शुभचिंतक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे अपने प्रदेश के शुभचिंतक हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब के नेतृत्व में हम लोग महिलाओं को सशक्त करने के ये बहुत सारा प्रोग्राम्स लिए हैं और उन प्रोग्रामों को घर तक पहुँचाने के लिए महिला शक्ति केंद्र का गठन कर रहे हैं, तो मेरे को ये विश्वास है कि आने वाले दिनों पर हमारे महिलाएँ, हमारे बहन, हमारे दोस्त सब देश को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे और अच्छा कदम वो लेंगे हमारे समाज को नस्ली पदार्थों से मुक्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। CLF और अंडर 29 PLF আছে, 29 PLF और SSG 334 SSG আছে আমাৰ, তো সকলো মেম্বাৰ বিলাক ইয়ালে আহিলে হাজার হাজার মেম্বাৰ ইয়াতে উপস্থিত হলেন, কিন্তু বহু জেগাৰ পৰা আজি হয়তো আহিব পৰা নাই কিবা বিশেষ কামত আৰু বতৰো বেলেগ। नमस्ते आप सभी को, हमारे साथ है बोडुमसा महिला मंडल के प्रेसिडेंट जो कि आज बोडुमसा पे वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सीधे उनसे जानने के लिए कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आज जो वुमेन डे है सेलिब्रेट करेंगे, तो सबसे पहले मैं मैम को कहना चाहूँगा हैप्पी वुमेन्स डे मैम। थैंक यू। तो सेकेंडली मैं इनसे जानने के लिए कोशिश करूँगा कि आप लोग आज जो वुमेन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो किस प्रकार से कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल्स में बता दीजिए। मैं वुमेन्स डे की सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। शुभकामनाएं देते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर साल हम लोग मनाते आए हैं, इस बार सब मिल के हम लोग SSC फेडरेशन और हर महिला के साथ मिल के हम लोग एक साथ एकजुट होकर गीडिंग हायर सेकेंडरी स्कूल में मना रहे हैं, तो जब हम लोग एक साथ मनाएंगे तो हम लोग का यूनिटी बढ़ेंगे और हम लोग का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और सभी से यही प्रार्थना है कि सब लोग वुमेन्स डे माने हर जगह हर और यूनिटी के लिए।
थैंक यू। तो मैं आपको फिर से पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे आज प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोग्राम में क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है आप लोग का? हम लोग का प्रोसेशन था, प्रोसेशन हो गया, अभी हम लोग गेम्स एंड स्पोर्ट्स शुरू करेंगे 9 से 11 तक को हम लोग का चीफ गेस्ट आएंगे। तो चीफ गेस्ट आने के बाद हम लोग का कल्चर शो होगा, उसके बाद शॉर्ट ब्रीफ में थोड़ा हम लोग मीटिंग करेंगे वुमेंस डे के बारे में। तो इस बार वुमेंस डे का हम लोग का थीम है चूस टू चैलेंज, वही टॉपिक लेके हम लोग शुरू करेंगे 11 बजे का बाद में, चीफ गेस्ट आने का बाद में। तो लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, जो आज आप लोग के साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे महिला हैं हमारे बोडमसा सर्कल में, तो आज जो आप लोग के साथ यहाँ में नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश मैसेज देना चाहेंगे आप? हम लोगों ने वुमेंस ये बोडमसा महिला मंडल के ओर से हम लोग सभी को मैसेज दिया था और ग्रुप में भी हम लोग ने शेयर किया था। तो जो जो नहीं आ पाया उन लोगों से मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वो लोग भी अपने अपने घर में अपने अपने परिवार के साथ वुमेंस डे को माने, ताकि सभी को पता चले कि वुमेंस का शक्ति कितना बड़ा है। थैंक यू। हम लोग आज गिरिंग बस्ती में वुमेंस डे मना रहे 2021। आज हम लोग महिलाओं का दिन है, इसलिए हम लोग सब बहुत खुश है। और आपको भी थैंक्स, आप भी आए हम लोग का साथ ज्वाइन करने के लिए, इसलिए हम लोग आपको भी बहुत थैंक्स देता है। और हमें आज बहुत यह शुभ दिन मिला है कि हम लोग आज वुमेंस डे मनाने मिला है। আজি দিন আমি যোনটো প্ৰগ্ৰাম এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱমেন্স ডে যোনটো থিম আছে চইচ টু চেলেঞ্জ আছে, এইটো আমি বহুত লেট হৈ গ'ল এতিয়া, তথাপি মানে আমি বেটাৰ লেট দেন নেভাৰ, চ' উই হেভ ষ্টাৰ্টেড দিছ প্ৰগ্ৰাম এণ্ড উই আৰ ফৰ্মিং আ নিউলি কল অল টংচা ৱমেন ৱেলফেয়াৰ চ'চাইটি। চ' উই হেভ গট এ লট অফ ৱৰ্কছ টু ডু বিকজ উই হেভ টু ফাইট what is called social evil in our society. We are lacking very in many ways, we are lacking in many ways, and we have formed, it's very late also, but we are starting, and we have done a little from a lot, we have done a little, so we are expecting to do more. And still now we have not registered our society, but we are doing so. I hope our ladies in future will work hard to fight against the social evil of our society, as other societies and communities have gone ahead, but we are very late, we have started very late, but we are hoping to do a little better. We cannot do everything in a day, but we'll start, we have started, and we'll fight. That is why we have selected this theme as Choose to Challenge.